CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। बुराई पर सच्चाई के दिन दशहरे के पावन त्योहार को देखते हुए मोगा पुलिस ने आज मोगा के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जहां पर दशहरे का आयोजन किया जा रहा था वहां पर डीएसपी परमजीत सिंह की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया और बारीकी से जांच की गई। वहीं आज मोगा के रेलवे स्टेशन पर मोगा से दिल्ली जाने वाली सरबत दबहला गाड़ी को खुद डीएसपी परमजीत सिंह ने डॉग स्क्वेड की मदद से गहनता से चेक किया और सवारियों के सामान की तलाशी ली ताकि कोई गलत असर, कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे। वहीं इस मौके पर डीएसपी परमजीत सिंह ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए मोगा में जगह जगह नाके लगाए गए हैं और डॉग स्क्वेड के साथ हर जगह को चेक किया जा रहा है। अज असी एंटी सबदरी टीमों के नाल रेलवे स्टेशन के नाल GRP की फोर्स लैके अभी स्टेशन की ट्रेनों की चैकिंग कराई है। इस तो अलावा भी असी जिसे जिसे दशहरा त्यौहार मनाया जाना उस जगह की असी चंगी तरह चैकिंग करवा के उस जगह में सिक्योर किया होया ता जो कि कल दशहरा त्यौहार बड़ी अमन शांति जरा निकलेगा। नहीं इतने इस तरह की मोगे च कोई गल नहीं है, मोगा बड़ी अमन शांति है। लोग सानू बड़ा इस गल सहयोग करते हैं पर फिर भी साड़ी जी ड्यूटी है असी इस त्यौहार के उत्ते कोई भी कोई ऐसी माड़ी घटना ना हो। असी हर जगह से निगरानी रखी हुई है तो हर तरह की सिक्योरिटी असी ला के रखेंगे ता जो कि जरा कि शहर के बिल्कुल पीस रहे। सर तो उतना बहुत फर्क है, इतने जरा बहुत वड्डी उच्ची 12-13 फुट की उच्ची कंध हैगी है उस रेलवे लाइन वाले पासे उन्होंने असी बहुत चंगी तरह मानयोग SSP साहब की गाइडलाइन के मुताबिक असी उन्होंने चंगी तरह चैक किया और उपर कंध के उपर भी जरा फिर 3 फुट की तार लगी हुई है कंडिया वाली। उस पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाऊगा, अपनी स्पैशल उस पास ही सिक्योरिटी का भी प्रबंध किया कि जरा उस पास कोई भी इंसान ना जाए ता जो जरा हादसा यही कोई ना हो। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।